समझला भाई। हाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो डे टू इन नोएडा इन द मॉर्निंग। हम निकल चुके हैं अपनी नोएडा की सड़कों पे। भाई जब होता अर्ली इन द मॉर्निंग ठंड हो रही भाई बहुत तगड़ी। ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड देखते थे कितनी तेज चला रहा तू, मात्र 20 पे चला रहा है भाई। रैप चला रहे ठंड के। क्या करें, जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं। तो भाई अभी हम रुके हैं फ्यूल अप कराने के लिए। फ्यूल अप कराने के बाद हम जाएंगे भगत सिंह पार्क। तो देखते हैं भगत सिंह पार्क कैसा है और कैसा नहीं। अभी हम फ्यूल अप करा रहे हैं, फिर यहाँ हवा भरवाएंगे। स्कूटी में हवा भी नहीं है, तीन तीन जने वैसे ही बैठे हैं। तो भाई नोएडा घूम रहे थे, बढ़िया पार्क दिख गया एक नंबर। पहला पार्क देख लो, तो भाई इस पार्क का नाम है भगत सिंह पार्क। है नोएडा का सबसे अच्छा पार्क है, काफ़ी बड़ा भी है। अभी हम इसमें पार्क में भगत सिंह की बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है। अभी हम वहाँ जाएंगे और दिखाते हैं आपको भगत सिंह की बड़ी वाली मूर्ति। चलो close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो गाइस ये है भगत सिंह की बड़ी वाली मूर्ति, अभी हम सामने से दिखाएंगे। तो गाइस ये है भगत सिंह की बड़ी मूर्ति, काफी ऊपर है ये, तो हम इसके पास जा नहीं सकते। पीछे सूरज पड़ रहा है, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। और ये भगत सिंह के मित्र सुखदेव राजगुरु के बारे में लिखा हुआ है यहाँ थोड़ा सा, और ये शहीद भगत सिंह के बारे में लिखा हुआ है। तो भाई नोएडा की मॉर्निंग भी हो गई होगा अब, क्योंकि हमने हम गए, हमने एक टनल में जाकर फ़ोटो खिंचवाए। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम भगत सिंह पार्क में आ गए। भगत सिंह पार्क देखा थोड़ा सा, भगत सिंह पार्क थोड़ा सा देख लिया, फिर यार बाद में पता लगा कि यहाँ ये भी है एक्सरसाइज करने के लिए। इतने एक्सरसाइज करते मौसम जगह दे चलो, तो हम चल दिए। तो भाई यहाँ इसी के साथ व्लॉग होता है ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।